जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। कोचिंग जा रही एक छात्रा को बीच सड़क पर दुस्साहस की पराकाष्ठा को पार करते हुए चाकू मारने वाले शहदे को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा। बताते चले कि कुछ दिन पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीपी मिशन कंपाउंड गेट के ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर एक छात्रा कोचिंग से लौट रही थी, तभी वहां पर ग्राम करारी में रहने वाला दानिश नामक युवक पहुंचा और छात्रा पर एक के बाद एक चाकू से गर्दन तथा चेहरे पर कई वार कर दिए। छात्रा का अभी भी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है, जहां उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार दानिश लगातार उस छात्रा पर दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा था। छात्रा के न मानने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। कल राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर कंचन जायसवाल भी इस छात्रा से मिलने मेडिकल कॉलेज पहुंची थी और पुलिस प्रशासन को आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के कड़े निर्देश जारी किए थे। दानिश की तलाश में जुटी पुलिस टीम को आज दोपहर सफलता मिल गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दानिश को धर दबोचा। उसके पास से घटना के प्रयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद कर दिए हैं। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट।